Good morning, students. Today we will discuss about the topic mobile system organization. In this topic we will discuss about the various parts of a mobile system. First of all, we see what are the various parts of mobile system. You are watching that first part of the mobile system is mobile processor. In computer we say processor as CPU, central processing unit, or the brain of computer. This is also can be say the brain of mobile. Then first part is mobile processor, second part is display unit, then third part is camera unit, next part is power management, and next one is memory unit, and last one is storage unit. There are six parts of mobile system. First is processor, then display unit, then camera unit, then power management system, then memory unit, then storage unit. We will discuss about these all parts in next. First of all, we will discuss about the mobile processor. Mobile processor is also called the ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन. जैसे कि कंप्यूटर में सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, वैसे ही यहाँ मोबाइल प्रोसेसर जो है वो हमारे स्मार्टफोन का क्या है, ब्रेन है. द सीपीयू रिसीव कमांड्स, मेक इंस्टेंट कैलकुलेशंस, प्ले ऑडियो वीडियो, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड सेंड सिग्नल्स थ्रू डिवाइसेस. जो हमारा सीपीयू है वो कमांड्स को रिसीव करेगा, सारी प्रोसेसिंग करेगा, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स को भी ये प्रोसेस करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के सिग्नल्स को भी ये ट्रांसमिट करता है. यानी कि ये हमारा पूरे हमारे मोबाइल को ओवरऑल कंट्रोल करता है. द सीपीयू ऑफ मोबाइल सिस्टम हैज़ मेनली सब डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड वन इज एपीयू, थर्ड विन इज जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. तो जो मोबाइल का जो हमारा प्रोसेसर है, मोबाइल के जो प्रोसेसर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट सीपी बोल सकते हैं आप, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट. सेकंड एपीयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट. एंड थर्ड वन इज जीपीयू. जीपीयू मीन्स ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. इस डायग्राम में सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं, देखेंगे आप. डिस्प्ले यूनिट, कैमरा यूनिट, थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू, कम्युनिकेशन प्रोसेसर, एप्लीकेशन प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स प्रोसेसर आप बोल सकते हैं इनको. ये हमारा स्टोरेज यूनिट है, जिसमें एक्सटर्नल स्टोरेज आएगी. मींस अगर एसडी कार्ड अगर हम अपने मोबाइल में लगाते हैं तो उसको हैंडल करने वाला ये स्टोरेज यूनिट है. इसके अलावा रैम एंड रोम. रोम जो है वो हमारी एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर की, उसके इक्विवेलेंट होती है यहाँ पर. एंड रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. काफ़ी डिटेल्स स्टडी करेंगे आगे. एंड दिस इज द पार्ट पावर मैनेजमेंट, बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट, चार्जर, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं. एक यहाँ एक पार्ट और दिखाया गया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. आरएफ ट्रांसीवर, जो भी टावर से जो सिग्नल आएंगे वो सिग्नल्स जो है वो रिसीव करने का, ट्रांसलेट करने का काम यहाँ पर आरएफ ट्रांसीवर करेगा. ये यूनिट कहलाता है रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट. फर्स्ट पार्ट ऑफ सीपीयू इज कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट. दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल्स ऑन ए मोबाइल. जो भी हमारी फोन कॉल्स रिसीव होगी उनको
अटेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा मोबाइल प्रोसेसर का कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। और ये किसकी हेल्प लेगा, यहाँ पे देखिए आप, इट विल टेक द हेल्प ऑफ आरएफ ट्रांसीवर एंड सेकंड इज ऑडियो सब सिस्टम। आरएफ मींस रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जो सिग्नल आते हैं उनको हमारी सिम से कनेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस पार्ट की होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग सिम टू द बेस स्टेशन थ्रू रेडियो सिग्नल। सेकंड पार्ट इज ऑडियो सब सिस्टम, इट कन्वर्ट द वॉइस सिग्नल्स, जो हमारे वॉइस सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और इनको ये जो ऑडियो सिस्टम है ये किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स में। और फिर इसको अगर रिसीव कर जब करते हैं तो इसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और वापस जब ट्रांसमिट करते हैं तो इसको वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो ऑडियो सब सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं, एक DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जैसे ये जस्ट लाइक ए मॉडम का काम करता है, यहाँ मॉडम मीन्स मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारा है APU, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड गवर्निंग ऑल टाइप ऑफ ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस ऑन ए मोबाइल सिस्टम बाय रनिंग वेरियस टाइप ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। जितने भी हमारे मोबाइल के जो एप्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम, उनको गवर्न करने का काम किसका होता है, APU का होता है। यानी कि एक पार्ट हमारा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, देन सेकंड वन गवर्न द एप्लीकेशंस, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड GPU, जो नाम से ही क्लियर है, ग्राफिक्स को जो प्रोसेस करता है, जो हमारे वेब पेजेस जो डिस्प्ले होते हैं या जो गेमिंग का पार्ट है उसमें जो विजुअल डाटा होता है, जो ग्राफिक्स होते हैं उसको जो है प्रोसेस करने का काम किसका होता है, GPU का। ठीक है, अब ये जो हमने तीनों पार्ट पढ़े, ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेटेड कर दी जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑन चिप SoC। दीज डेज मेजर कंपोनेंट ऑफ ए मोबाइल सिस्टम आर इंटीग्रेटेड ऑन ए सिंगल चिप कॉल्ड SoC, सिस्टम ऑन ए चिप। द SoC चिप कंज्यूम लेस पावर कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स, की जो पावर कंजप्शन होती है वो कम होती है। यानी कि जो हमारा मोबाइल होता है उसमें ये SoC है, इस पे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट भी इसी पे होता है और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट भी इसी पे होता है और ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसी पे अटैच कर दिया जाता है। जो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट है वो कम्युनिकेशन को मींस हमारे कम्युनिकेशन मींस कॉलिंग को हैंडल करता है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, हमारे मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्स हैं उनको हैंडल करता है। एंड थर्ड वन इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, जो हमारे मोबाइल के ग्राफिकल डाटा को प्रोसेस करता है। तो ये हमारा जो है वो मोबाइल प्रोसेसर जो है हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सेकंड वन इज डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट जो है वो हमारे टच पे काम करता है, हमारे टच कीबोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे टच डिस्प्ले के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट वन इज कैमरा ISP, यानी कैमरा यूनिट। ISP मीन्स इमेज सिग्नल प्रोसेसर, जो हमारे डिवाइस में जो इमेज बनती है, इमेज कैप्चरिंग है, जो इसका कैमरा है उसका रिजोल्यूशन, इमेज स्टेबलाइजेशन, इमेज एनहेंसमेंट, जितनी भी इमेज की प्रॉपर्टीज होती है उनको प्रोसेस करने का काम हमारा कैमरा यूनिट करता है।
Next one is memory unit. Most important part after mobile processor is called memory unit. इसमें मुख्यतः दो प्रकार की जो है मेमोरी होती है, इसमें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. वन इज रैम एंड सेकंड वन इज रोम. बट इनकी वर्किंग जो है वो जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उससे भिन्न होती है, जो हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज स्टोरेज यूनिट. स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट को सेपरेट कर दिया गया. मेमोरी यूनिट जो है वो हमारी इंटरनल स्टोरेज होगी दोनों, और जो स्टोरेज यूनिट है उसमें हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज, जस्ट लाइक अगर हमने कोई एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड लगा रखा है, जो रिमूवेबल होती है और जो एक्सपेंडेबल होती है, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज पावर मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे मोबाइल की पावर को मैनेज करता है. इसमें चार्जिंग है, बैटरी है. इसमें देखिए जो हमारी बैटरी की कैपेसिटी है वो मिली एम्पियर पर आवर में मेजर की जाती है. MAH मीन्स मिली एम्पियर पर आवर. इट इज़ द यूनिट दैट इंडिकेट हाउ लॉन्ग द पावर बैंक कैन डिलीवर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट. एम्पियर मीन्स करंट, कि कितना करंट पर आवर में जो हमारी बैटरी है वो रिलीज करती है, उसी पे ये यूनिट दी गई है, मिली एम्पियर पर आवर. अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे जो मेमोरी यूनिट है. मेमोरी यूनिट को हम डिटेल से डिस्कस थोड़ा करेंगे, क्योंकि इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम आवर डेस्कटॉप कंप्यूटर. जो फ़ोन की मेमोरी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रैम एंड सेकंड वन इज रोम, ठीक है. अब इसमें आप देखेंगे जो हमारी रैम होती है वो क्या होती है, रीराइटेबल होती है और वोलेटाइल होती है. जितनी ज़्यादा बड़ी रैम होगी मोबाइल के अंदर उतना ही हमारे मोबाइल की जो है वो स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी. जैसे अगर आपके मोबाइल की रैम 2GB है तो ये क्या होगा, स्लो होगा. अगर 4GB है ये थोड़ा फास्ट होगा. अगर 6GB है तो ये और फास्ट होगा, और अगर 8GB है तो और भी फास्ट होगा. जो रैम की स्टोरेज होती है वो अबाउट 1GB से स्टार्ट होती है, अभी 8GB 10GB तक आ रही है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट स्टोरेज जो है वो है रोम. रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी. बट यहाँ पर जो रोम है, जो हम रोम पढ़ते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो रोम होता है वो भी रीड ओनली मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल होता है. उसमें हम एक बार जो डाटा स्टोर कर देते हैं तो वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता. परंतु यहाँ जो है जो रोम है हमारे मोबाइल की, ये थोड़ी उससे डिफरेंट है. रोम इज ए फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज. दिस टाइप ऑफ मेमोरी कीप द सेव्ड डाटा इवन इफ द डिवाइस पावर इज ऑफ. इन आवर मोबाइल फोन्स दिस रैम कैन बी रिटर्न अगेन एंड अगेन, कैन बी इरेज्ड. यानी कि जो रोम का डाटा है वो हम रीराइट कर सकते हैं. दिस इज जस्ट लाइक ए दिस इज सिमिलर टू सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क इन
डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर में जैसे हमारा हार्ड डिस्क काम करता है सेम वैसे यहाँ पे ये काम करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी रोम होती है इसकी साइज भी जो है आजकल आप देखेंगे इसकी जो साइज होती है वो रैम से ज़्यादा होती है। जैसे 32 GB स्टोरेज, किसी में 64 GB आता है आजकल, और भी ज़्यादा आ रहे हैं 128 GB, और बहुत सारे एडवांस मोबाइल्स में तो 1 TB तक स्टोरेज भी आ रही है। सैमसंग के जो हाई कॉन्फ़िगर्ड मोबाइल हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज आ रही है, पर आप देखेंगे कि जो ये जो स्टोरेज है इसमें हम डाटा रीराइट कर सकते हैं, बार बार डाटा को रीराइट करते हैं। साथ में हम देखेंगे कि जैसे हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल होता है जिसको हम बार बार क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। देखिए द रोम इक्वल्स ए हार्ड डिस्क इन ए कंप्यूटर स्टोरिंग वेरियस ऑफ फाइल्स इंक्लूडिंग वीडियो सॉन्ग्स फोटो, जितने भी हम अपने डिवाइस में वीडियो सॉन्ग्स फोटो फाइल्स सॉफ्टवेयर वगैरह स्टोर करते हैं वो सारे जो हैं वो रोम में स्टोर होते हैं। ओके, एट प्रेजेंट मोस्ट स्मार्टफोन्स आर इक्विप्ड विद 16 GB 32 GB 64 GB और 128 GB और 256 GB, और जैसे कि मैंने बताया आजकल जो एडवांस और भी जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें तो 1 TB तक की भी रोम आ रही है। ओके, बट वी हैव टू पे अटेंशन दैट इन फोन्स द रोम इज नॉट डिस्क्राइब्ड विद रोम बट विद स्टोरेज, यानी कि यहाँ जो रोम है वो स्टोरेज कहलाती है, रोम नहीं कहलाती। हम डेस्कटॉप पीसी में इसे रोम बोलते हैं बट यहाँ पे ये क्या कहलाती है, स्टोरेज कहलाती है। आपसे पूछा जाए आपके मोबाइल की स्टोरेज कितनी है तो आप बताएंगे जी 64 GB है, या आप बताएंगे 128 GB है। मीन्स यहाँ जो हमारा जो रोम है, ये जो रोम है इसको रोम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज इन मोबाइल में इसे स्टोरेज बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पावर मैनेजमेंट मीन्स बैटरी। दिस सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू मोबाइल सिस्टम। इट हैज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट वर्क विद ए बैटरी चार्जर एंड बैटरी यूनिट। बैटरी यूनिट में हमारी बैटरी लगेगी और बैटरी चार्जर में क्या होगा, चार्जर कनेक्ट होगा। अब आपके सिलेबस में दे रखा है बैटरीज, यहाँ हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज के बारे में। बेसिकली 5 टाइप्स की बैटरीज जो है वो यूज़ की जाती है। फर्स्ट इज NICD निकल कैडमियम बैटरी, सेकेंड वन इज निकल मेटल हाइब्रिड NIMH बैटरी, थर्ड वन इज लेड एसिड बैटरी, नेक्स्ट वन इज लिथियम आयन बैटरी एंड लास्ट वन इज पॉलीमर बैटरी। इसमें जो सबसे ज़्यादा मोबाइल्स में आज के समय में यूज़ की जाती है, सबसे एडवांस जो बैटरी है वो है लिथियम पॉलीमर बैटरी। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है, बहुत पतली होती है और हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी, कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी जो है स्टोर करती है, और इसमें जो है वो फटने की संभावना भी नहीं होती, ये मोर सिक्योर होती है। इससे ऊपर जो पहले यूज़ की जाती दैट इज लिथियम आयन बैटरी, लियोन बैटरी जिसको बोलते हैं, ये जो बैटरी है वो इससे थोड़ी कम कॉन्फ़िगर होती है, ये थोड़ी मोटी होती है, और इसमें ये जो बैटरी है लेड एसिड बैटरी जो है ये जो है हैवी बैटरी होती है, जैसे आप ये देख रहे हो ये हैवी बैटरी होती है, जहाँ पे वेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ इसको यूज़ किया जाता है, इसमें एसिड का यूज़ किया जाता है। और इससे ऊपर हम चलें तो NIMH बैटरी, ये जो बैटरी है वो NICD से बेटर होती है, इसमें हैजार्डस केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता, ये इन्वायरमेंट सेफ होती है, बट इसका भी साइज़ जो होता है वो बल्क होता है, तो इनको आप मोबाइल्स वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते। और जो सबसे फर्स्ट जो बैटरी मैं आपको दिखा रहा हूँ निकल कैडमियम बैटरी, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई है, इसमें निकल और कैडमियम का यूज़ किया जाता है इसको बनाने में, बट इस बैटरी में जो ये निकल और कैडमियम होते हैं ये जो है वो इन्वायरमेंट सेफ नहीं होते, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, इनको जो है
डिस्पोज करना अत्यंत आवश्यक होता है, इसीलिए आजकल इन बैटरीज का यूज़ बहुत कम किया जाता है। तो इनको अभी और भी डिटेल से हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले निकल कैडमियम, इट इज़ ए टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी, इसको रिचार्ज किया जा सकता है। द एब्रीविएशन NICD is derived from chemical symbol of Ni and cadmium. NICD is used where long life, high discharging rate and economical price are important. ये long life होती है but ये जल्दी discharge हो जाती है, परंतु price इसका कम होता है, ठीक है। इसका use किया जाता है video camera में, biomedical equipments में and power tools में, बट इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है टॉक्सिक मटेरियल, ये इसे इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली कर देता है। ये साइज में बड़ी होती है लियोन बैटरीज और जो हम पॉलीमर बैटरीज की बात करते हैं उसके कंपैरिजन में, इतनी हैवी नहीं होती जितना कि हमारा जो एसिड बैटरीज जो मैंने बताई आपको। नेक्स्ट, NICD बैटरीज आर कैडमियम ए हाई टॉक्सिक हैवी मेटल दैट कैन डैमेज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को डैमेज करती है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट वन इज NIMH, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे टॉक्सिक मटेरियल नहीं होता, इन्वायरमेंट सेफ होती है ये, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी होती है वो NICD से ज़्यादा होती है, हायर कैपेसिटी, फास्टर। NICD बैटरीज डिलीवर फास्टर डिस्चार्ज रेट देन NIMH, यानी कि जो NIMH बैटरी होती है वो स्लो डिस्चार्ज होती है जबकि NICD फास्ट डिस्चार्ज होती है। तो यहाँ NIMH इज बेटर देन NICD। नेक्स्ट वन इज लेड एसिड बैटरियाँ, जो हमने CPU हमारे UPS में यूज़ होती है, घरों में एमरजेंसी लाइट्स वगैरह में भी यूज़ होती है, बैटरी बैकअप के लिए जो हमारा UPS लगा होता है उसमें भी ये यूज़ होती है। मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर लार्ज पावर एप्लीकेशन, घरों में भी इन बैटरियों का यूज किया जाता है पावर सप्लाई को मैनेज करने के लिए। ये हैवी वेट होती है, इनका यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स इक्विपमेंट्स में, व्हीलचेयर्स में, एमरजेंसी लाइट्स में और UPS सब सिस्टम्स में, जो घरों में UPS लगे होते हैं पावर सप्लाई के लिए उनमें यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है वाटर और एसिड जो है उसका मिक्सचर यूज़ किया जाता है। ये हैवी बैटरीज होती है। इसके बाद लियोन बैटरी हाई एनर्जी डेंसिटी होती है कंपेयर टू अदर टू टाइप्स जो हमने डिस्कस किए। इसमें प्रोटेक्शन जो है वो कम होती है, प्रोटेक्शन सर्किट बहुत कंपल्सरी रिक्वायर्ड होता है, इसी वजह से इसमें कई बार ब्लास्ट भी हो जाता है, इसलिए आजकल इसको यूज नहीं किया जाता। लियोन पैक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर डिफेंस एप्लीकेशन, डिफेंस एप्लीकेशंस में यूज़ करने के लिए बनाई गई थी। लियोन बैटरीज आर डीम्ड अनसेफ इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक एंड द हाई प्राइस, इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है और ये अनसेफ होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी, बट इसकी जो कॉस्ट होती है वैसे हाई होती है, परंतु जो एडवांस पॉलीमर बैटरी है उसके कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। इसको हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिचार्ज कर सकते हैं, इसकी प्लस पॉइंट है। बट ये सेल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने NICD NIMH बैटरीज देखी, सेल फॉर्म में दिखाते हैं, ये इस तरीके से होती है। नेक्स्ट लियोन पॉलीमर बैटरी, ये अल्ट्रा सिम होती है, बहुत बारीक होती है ये, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, और हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, लाइट वेट है, सेफ्टी इसमें जो है सेफ्टी मेजर इसमें ज़्यादा हाई होता है, बट सेफ्टी की वजह से ही आजकल मोबाइल में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। एक कारण हो गया सेफ्टी एंड अनदर वन इज अल्ट्रा स्लिप, ये दो रीजन है इसके। अब एक बार फिर देखेंगे कंपैरिजन, ये देखिए ओवरऑल लिथियम पॉलीमर इज रिप्लेसिंग लिथियम आयन इन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री ड्यू टू सुपीरियर
सेफ्टी एंड लाइट वेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको, सुपीरियर सेफ्टी एंड लाइट वेट। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि साइज देखिए आप, सबसे जो है सबसे बड़ा साइज अगर देखें तो ये सबसे साइज में सबसे बड़ी है, लिथियम एसिड, उसके बाद निकल कैडमियम, उसके बाद एमएच बैटरी और उसके बाद लियोन बैटरी, ठीक है। बट अगर हम इसकी एनर्जी डेंसिटी देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो लियोन बैटरीज की होती है, और लियोन में भी फिर लियोन पॉलीमर, लिथियम पॉलीमर बैटरी की होती है, उससे कम एमएच बैटरी, उससे सीडी और उससे कम इसकी होती है।